अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने प्यारों के साथ अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपके प्यारों के साथ आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। अल्लाह पाक कोई गम ना दे सिवाय हमें हुसैन के। तो आज मैं फ़िश बना रही हूँ क्योंकि मौसम अभी बहुत चेंज तो नहीं हुआ, सर्दी तो इतनी नहीं आई, लेकिन नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से आज सोचा फ़िश बनाएँ। ये 1.5 किलो फ़िश ली है मैंने, रोहू। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, और मसालों में बहुत जो है डिफरेंट मसाले इसमें जाएंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है, 4 टेबल स्पून लिया था मैंने, और ये 2 टेबल स्पून चने का पाउडर लिया था, बेसन नहीं था मेरे पास तो मैंने ये ले लिया। आपके पास बेसन हो तो आप वो इस्तेमाल करें, इससे ज़रा मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाता है फ़िश पे, उतरता नहीं है। और इसी के साथ मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूँगी, 4 टेबल स्पून। और इसी के साथ मसालों की तरफ आ जाते हैं। ये मसाले हैं, इसकी क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, तो मैं वैसे आपको बता देती हूँ। ये ड्राई मेथी है, इससे ज़रा फिश की स्मेल ख़त्म होती है, ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून भर के जो है मैंने कोरिएंडर सीड ले लिए थे और उसे क्रश कर लिया मैंने। 1 टेबल स्पून भी मैंने ये क्यूमिन सीड का लिया था, इसे भी क्रश कर लिया। और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया था, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून नॉर्मल सॉल्ट लिया है। अच्छा, फ़िश को भी मैंने लगा के रखा था, तो आप देख लीजिएगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और इसी के साथ ही 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का लिया मैंने, इसे भी क्रश कर लिया। और ये ग्रीन चिलीज़ ली थी मैंने 8 से 10, इसे भी मैंने जो है मोटा कूट लिया। ये मसाले मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डाल देंगे, इसी के साथ जो है लेमन डाल देंगे। ये 4 लेमन थे, इसे मैंने अच्छे तरीके से रस निकाल लिया था, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे हम, 2 टेबल स्पून के करीब मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये सब मसाले मैंने इसमें डाले हैं, इसे हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपके पास धनिया पुदीना हो तो वो भी पीस के डालिएगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो ये देखें व्यूअर्स, फिश को मसाला हमने लगा लिया है, और इसे 2 घंटे के लिए भी आप स्टे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी और सुबह इसे फ्राई करूँगी। ये ऑयल गरम हो चुका है और फिश भी जो है मैंने आपको बताया था ओवरनाइट के लिए रखी थी मैंने, और अब इसे फ्राई कर लेंगे। इसमें ले रखना है, जैसे कि आपको हमेशा मैं बताती हूँ, फ्राई करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस दिया करें, बहुत ज़्यादा ना डाल दिया करें, फिर वो उसकी जो कोटिंग की हुई होती है ऊपर से वो सारी उतर जाती है। लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी इसको, और आपके सामने फिश हमारी तैयार हो रही है। 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगी, 5 मिनट के बाद फिर इसे टर्न करूंगी। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, उससे भी जो है फिश को जलने का खतरा रहता है। पाँच मिनट हो चुके हैं, फिश को अब हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, यही कलर चाहिए था हमें। ये देखिए थोड़ा सा बेसन
और कॉर्नफ्लोर लगाने का मकसद यही था कि आप ये देखें इसके ऊपर से मसाला ये हटेगा नहीं। साइड चेंज कर दी है मैंने, 5 मिनट अब हम इस साइड से पकाएंगे फिश को। फिश हमारी हो चुकी है रेडी, मैंने अच्छे तरीके से टर्न करके इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से जो है कुक कर लिया था ताकि कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त दोनों तरफ से रेडी हो चुकी है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी फिश हमारी रेडी हो चुकी है और इसे बनाएं आप और अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें, उन्हें मज़े मज़े के खाने बना के दें और उनकी दुआएं लें और उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। I'm just saying that's not a good thing. I have a feeling that this is the wrong song.